उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मेलन होने वाला है। ये सम्मेलन है पसमांदा समाज को जोड़ने का प्रयास। पसमांदा समाज मुसलमान समुदाय का वो समाज है जो गरीब और तबके से जुड़ा हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, वो भी इस सम्मेलन के माध्यम से। जबकि रामपुर में 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है और 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने इस सम्मेलन से मुसलमानों को कितना जोड़ पाएगी ये तो अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। और इस सम्मेलन में यहाँ पर पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और कई सारे मंत्री पहुँच रहे हैं। वैसे कल यहाँ केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुँच चुके हैं। बहरहाल ये जो सम्मेलन है पसमांदा समाज का कितना सफल होगा ये भाजपा के उस जो प्रत्याशी होगा उस पर भी निर्भर करता है कि उसको कितना समर्थन मिलेगा। फिलहाल ये कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। आप चाहेंगे कोई मुस्लिम प्रत्याशी इस सीट पर पार्टी आई कमान बता रहे पहला मॉडल नहीं ये फोटो वो जो मुख्य अतिथि जो आज आ रहे हैं अब से कुछ समय बाद रामपुर में पसमांदा समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सम्मेलन के माध्यम से। इसी को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक जी। सर आज जो आपका कार्यक्रम हो रहा है पसमांदा समाज को लेकर वो कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहिए? 20 ऐसे लोग ज़्यादा रहेंगे और मोदी जी के अंदर सबका विश्वास है, योगी जी की नीतियों में सबका विश्वास है। आज ये कार्यक्रम उसी के पहल का एक नायब इसे कह दीजिए रामपुर से एक नई शुरुआत और बिगुल बजा है जो समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने का और भारतीय जनता पार्टी को उस पर पहुँचाने का सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के बीच आज पार्टी सबके बीच पहुँची है, ये इसका प्रमाण है। कैंडिडेट हो भाजपा का क्या वो मुस्लिम होना चाहिए? नहीं नहीं यहाँ धर्म की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम कौन हो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो वो कमल का फूल हो वो जीतेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाली है। जो आप पसमांदा समाज का मुद्दा उठा रहे हैं उस समाज को लेकर के ओवैसी जी ने भी एक ट्वीट किया, क्या कहा? ओवैसी जी बोलते रहते हैं, उनका काम बोलना है और देख लो थोड़ा सा। बहरहाल अभी जो हमारे साथ थे वो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने बताया कि ओवैसी का काम बोलने का है और भाजपा का करने का। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।